हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको एकदम इंस्टेंट और एकदम ढाबे स्टाइल पालक मटर पनीर कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी, वो भी एकदम सीक्रेट मसालों के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम सिंपल सी और टेम्पटिंग सी रेसिपी। पालक मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पर, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें पानी, पानी में अच्छे से उबाल आ जाए। देखिए पानी में अच्छी उबाल आ गई है, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये पालक के जो पत्ते हैं हम इसमें डालकर 5 मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। इसे मैंने अच्छे से, इस पालक के पत्ते को मैंने अच्छे से धोकर सुखाकर साफ कर लिया है। इसे थोड़ा ऊपर नीचे करकर ऐसे 5 मिनट ढककर रख देंगे। इसे 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए, लीड हटाकर चेक कर लेते हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में, सारा पानी लेकर करके छान कर। इसे हमें ज्यादा बॉईल नहीं करना है, ज्यादा ब्लांच नहीं करना है, बस हमें 5 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में डालना है। देखिए मैंने सारे पालक को निकाल लिया है। अब मैं इसे अच्छे से नॉर्मल वाटर से वॉश कर फिर मैं इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूंगी। हम अब एक पेस्ट बनाएंगे। दो टमाटर, तो मैंने हरी मिर्च लिया है, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 2 छोटे साइज के मैंने प्याज लिया है। ये सारी चीज का मैं एकदम फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी। इस मसालों के साथ मैं ये मसाले भी ऐड करूंगी। ये मैंने खड़े गरम मसाले लिए हैं, 2 मैंने लौंग लिया है, 1 आधा छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी लिया है, 1 काला फूल लिया है, 1 बड़ी इलायची लिया है। ये सारी चीजों को मैं एक साथ पीस कर इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाऊंगी। सब्जी बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैं डालूंगी इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, और देखिए मैंने 2 बड़े प्याज मैंने एकदम चॉपर में बारीक कर लिया है, ऐसे भून लेंगे। एकदम सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ आज आपको ये पालक मटर पनीर कैसे बनाते हैं एकदम ढाबे स्टाइल। अब मैं डालूंगी इसमें ये पेस्ट जो मैंने टमाटर लहसुन मिर्ची और जो कुछ खड़े मसाले लिया था उसके सारे को पेस्ट बना लिया है मैंने। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। मसालों को तब तक भूनना है जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप मटर, 1/2 कप मटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैंने फ्रेश मटर लिया है, फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें इसी वक्त डालना है मटर को। अगर आप फ्रोजन मटर डाल रहे हैं तो आप पालक की प्यूरी डालने के बाद फ्रोजन मटर डालिएगा। गैस का फ्लेम स्लो कर दो। अब मैं डालूंगी इसमें ये पालक का प्यूरी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिसमें मैंने प्यूरी बनाया था उसी में मैंने 1 गिलास पानी लिया है। पानी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। एक उबाल आ जाए अच्छे से।
अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसालों को। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, देखिए। गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे। अब मैं डालूंगी इसमें ये पनीर के क्यूब्स, देखिए ये मैंने मोटे टुकड़ों में कट किया है, आप अपने पसंद सब कट कर लीजिएगा। सारी चीज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पालक मटर पनीर बहुत ही इजी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। जैसा हम रेस्टोरेंट में खाते हैं उसी तरीके से मैंने बनाया है, एकदम सीक्रेट मसालों के साथ। तो आप लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये सिंपल सी रेसिपी कैसी झटपट तैयार होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेंगे एकदम स्लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए, ये ढटाकर चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी एकदम बनकर परफेक्ट तैयार है। इसे आप पूरी पराठे नान के साथ सर्व करिए, बहुत ही अटेम्प्टिंग, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे स्टीम राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसे कर सकते हैं हल्का सा गर्म पानी। देखिए मैं डालूंगी इसमें 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला, इससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। हल्का सा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने आधा कटोरी पानी डाला है। देखिए हमारी सब्जी एकदम परफेक्ट तैयार है। हमारी सब्जी की कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है। इसे हम राइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आप इसी तरीके से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये पालक मटर पनीर की रेसिपी, और इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है ना हमारी सब्जी, जितनी टेम्पटिंग लग रही है उतना खाने में बहुत ही टेस्टी है बना है ये एकदम। मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है। देखिए मैंने थोड़ा सा इस पे फ्रेश क्रीम गार्निश किया है। फ्रेश क्रीम से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी में, तो आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड करिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक यू।